क्या कर्नाटक में अमित शाह पर भारी पड़ रहे हैं सिद्धारमैया? क्या सिद्धारमैया के चक्रव्यूह में फंस गए हैं बीजेपी के चाणक्य? कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वोटिंग में अब करीब 45 दिनों का वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम दल, खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चुनावी रणनीति के मामले में प्रदेश के सीएम सिद्धारमैया बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिद्धारमैया ने इस बार अपनी विधानसभा सीट बदलने का फैसला किया है। खबर है कि वो मैसूर में वरुणा के बजाय चामुंडेश्वरी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीट बदलने के पीछे सिद्धारमैया ने जो कारण बताए हैं उसके मुताबिक ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में वो अपना आखिरी चुनाव अपनी पुरानी सीट से लड़ना चाहते हैं, जहां से वो 5 बार चुने गए, यानी वो अपनी आखिरी राजनीतिक पारी को जीतकर यादगार बनाना चाहते हैं। लेकिन सिद्धारमैया के चामुंडेश्वरी सीट से चुनाव लड़ने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक वरुणा सीट से अपने बेटे यतेंद्र को लॉन्च करने का मन बना रहे हैं। उधर खबर है कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा भी वरुणा सीट से अपने बेटे को उतारने की तैयारी में है। सियासी जानकारों की माने तो इन दोनों सीटों की जो पृष्ठभूमि है उससे साफ है कि इनके परिणाम पूरे राज्य में होने वाली जीत हार का आईना होंगे। वरुणा सीट में ही सुत्तूर मठ भी है, जो लिंगायत समुदाय का प्रमुख मठ है। इस समुदाय से येदुरप्पा भी आते हैं, लेकिन लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। हालांकि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इस कदम का क्या असर होगा और बीजेपी कांग्रेस में से किसे इसका फायदा होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सिद्धारमैया ने अपने एक के बाद एक फैसलों से बीजेपी की राहें मुश्किल कर दी है। अब नतीजे जो भी हों, लेकिन इतना तो साफ है कि सिद्धारमैया ने जो सियासी बिसात बिछाई है वो बीजेपी के लिए इस चुनाव को कहीं ज्यादा मुश्किल बनाने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।